सभी को नमस्कार, मैं गुरु इसार। आप देख रहे हो ANH आधार न्यूज हरियाणा। तो भाई फिलहाल आजाद नगर के विराट नगर में मौजूद हूँ और यहाँ की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसार में इतना पानी नहीं भरता होगा जहाँ पर विराट नगर में इस गली में बहुत ज्यादा पानी भरता है। इस गली की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर कैमरा मैन को कहूँगा एक बार भाई आगे आ जा, आगे दिखा दे एक बार थोड़ा। ये पूरा गली ये वैसी है, इतना पानी इसके अंदर भर जाता है। और मकान की बात करें तो मकान के अंदर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बारिश की वजह से, जो अभी बरसात हुई थी ना, उस बरसात की वजह से ये देखिए सामने, मेरे सामने आप ऊपर देख सकते हो, तरेड़ आ चुकी है। बहुत ज्यादा यहाँ पर तरेड़ आ चुकी है बरसात की वजह से। इतनी समस्या यहाँ पर हो चुकी है बरसात की वजह से। और आइए एक बार बाहर की दिखा देते हम आपको। आ जाओ रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दुकानों के अंदर इतना इतना पानी भर जाता है। तो नगर में आप देख सकते हो यहाँ पर ये सीवरेज है। मैं कैमरा मैन को एक बार सीवरेज दिखा दीजिए। ये नए सीवरेज बनाए हैं और पहले सीवरेज की बात करें तो 10-10 फुट गहरे नीचे अंदर है, तो यहाँ पर पानी निकलता भी नहीं। तो देख सकते हो बरसाती पानी अभी भी यहाँ पर रुका हुआ है। तो भाई एक बार कैमरा मैन को आगे जाके एक बार थोड़ा दिखा दीजिए। अभी तक ये बरसाती पानी है पर रुका हुआ है। और सीवरेज आप देख सकते हो, रोड की हालात देख सकते हो आप मेरे सामने, रोड भी बैठा हुआ है। सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार कहती है हम हर सुविधा देती हैं, हर सुविधा देते हैं, हर सुविधा देते हैं। वो सुविधा है कहाँ पे? कॉलोनियों को, हर सेक्टर में, हर गली में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो अभी ये गाड़ी देख सकते हो कैसे गाड़ी चल कर, एक बार कैमरा उनको दिखाई भाई। तो समस्या कितनी है देख सकते हो आप फिलहाल मेरे सामने। तो हमारे साथ अभी विकास ढांडा जी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं यहाँ की समस्या कितनी गहरी समस्या है। सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूंगा कि आप एक छोटी सी बुलावे पर आप पूरे हमारे विराट नगर आजाद नगर के अंदर आए। ये जोगीराम सिंह की सोसाइटी है विराट नगर, गोदारा पेट्रोल पंप के पास। और आप हमारी जो समस्या है उस में आप हमारा सहयोग करें ताकि उस समस्या से हम निजात पा जाए। सर यहाँ के अगर MC की बात करें तो MC कौन है? यहाँ की पिंकी शर्मा MC है। हमने उसके पास 5-4 बार गए हैं लेकिन उसने एक बार काम करवाओ, काम देख लो, यो काम करवाया उसने। हमने कहा कि इस तरीके से काम नहीं होगा लेकिन उसने आपकी मनमानी करी। और मनमानी करने से मतलब 12-12 फुट के गड्ढे बना करके ये सीवर का काम देख लो आप। हमारी आज जो आमजन जो मेन गली है या आगे किसान कॉलोनी तक जा रही है, कम से कम 10 कॉलोनियों के अंदर ये गली जा रही है। और इस गली के अंदर आज इतना बुरा हाल हो रहा है जिसकी कोई हद को नहीं। सुमन जो पिंकी शर्मा है वो मेरे हिसाब से बड़ी गहरी निंद्रा में सोई हुई है। हमने उसको 5-4 बार लिखित रूप में दे लिया और ज्यादा तो कौन कहूँ 10 बार मैंने फोन पे उसको कह दिया है कि पिंकी जी आप ये काम करवाओ, हमारा गली की व्यवस्था ठीक करवाओ। लेकिन वो आश्वासन आश्वासन दे है धरातल पर, वो कोई काम नहीं कर रही। पिछले कितने समय से ये तो लगातार 3 साल से लगातार चल रही है। हाँ पहले उससे आगे थे, वो आगे वाला भी आपने दिखाया होगा, वो भी बैठ गया। उनमें करेड भी आ रही है, दुकान है तो करेड आ रही है। आपने करार दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद में। और वो पिंकी शर्मा यहाँ पर 3-4 बार आ भी गई। पब्लिक हेल्थ वाले बोले भाई हम तो गड्ढे बोर सकते हैं, गड्ढे खुदे हुए। ये तो भाई मेरे हिसाब से तो इस सरकार में मैंने तो कोई रंग ढंग कौन लिखता। मतलब पब्लिक हेल्थ वाला ने कहा वो तो कौन नगर निगम वाला है, काम से नगर निगम वाला ने कहा वो पब्लिक हेल्थ वाला। आज यहाँ नगर निगम के कमिश्नर आ रहे थे पीछे, तो आज कुदरती मैंने पता चला, मैं उड़े कमिश्नर साहब दूर भी गया। मैं कहा साहब आप कमिश्नर हो, बहुत बड़ी पोस्ट है आपकी, एक हमारा गली का थोड़ा हा देख लो ने। वो बोले मैं करवा दूंगा। उसने भी कमिश्नर ने भी आज उद कौन ली, वो आधा किलो उरली साइड देखने का तरचाल की कुनिया। ये पब्लिक के नुमाइंदे हैं जो पब्लिक का टैक्स लेकर के, पब्लिक का टैक्स से मतलब आपकी वसूली, जो इनकी तनख्वाह जाओ पब्लिक टैक्स दे उससे मतलब इनकी तनख्वाह जाओ है। एक वो तनख्वाह लेनी आदमी कमिश्नर पूरे मतलब मौके पर देखने को नहीं आया सच्चा। ये आप कमिश्नर ने पूछ लियो। और मैंने उसके गेला 10 मिनट रिक्वेस्ट करी, माँ कमिश्नर साहब पूरा है कि मारा मौका तो देख लियो, आधा किला पर आ रहा था लेकिन नहीं आया, सच्चाई है मेरे भाई। आपकी नहीं सुनता MC, आपकी नहीं सुनता, कोई सुनता नहीं है तो अब क्या भाई? हमने तो मतलब दर दर की ठोकरे खानी पड़ रही है हमारी। मेरे हिसाब से इस सरकार में सुनता को नहीं, खटर सरकार या ताऊ किसी सरकार आएगी, इसमें किसे पे भी कुछ भी नहीं रहा दबदबा। एक दबदबा होया करता किसी का, वो सारा खत्म इस ताऊ ने कर दिया, सारी तो पब्लिक खत्म कर दी। एक चुटकला सुना दूं आपके मीडिया के माध्यम से, छोटा सा चुटकला है। एक क्या था कि जंगल में चुनाव हो गया,
और उसमें चुनाव हो गया कि भाई जंगल का राजा कौन बना, जंगल का राजा बना दिया बंदर, वोटों के उससे बंदर बन गया। बंदर बन गया तो मतलब इस गादड़ की बू ने शेर उठा ले गया, शेर उठा ले गया तो गादड़ कहने लगा बंदर ने जाके बलारा मेरी बू ने लेगा ठा की, बंदर ने प्रधान दौर चला, प्रधान दौर बंदर गया जाके गादड़ प्रधान दौर गया बंदर दौर जाके निवला प्रधान जी बिला मेरी बू ने लेगा ठा की बिला कौन शेर निवला चाल जाके भाई शेर का देखा तो शेर कौड़े भीतर बैठी हो, शेर ने बुलाया जाए तेरे में हिम्मत है तो वो मतलब बंदर एक बार तो उस पेड़ पर चढ़े, एक बार उस पेड़ पर, एक बार उस पर गादड़ ने बुलाया तू इतना नू डांक मारो कर इतने भीतर बढ़ के छुटवा ले, इन्हें बुलाया भाई भीतर देख बढ़िया कौन सा और बाधा दौड़ मन कसर छोड़ूंगा की। तो इस बीजेपी सरकार ने और जो यो डिपार्टमेंट से नगर निगम का जो ये इसका इनने बाधा दौड़ मत कसर छोड़ रखी को निर काम की मैं कर दे को नहीं तो वह बच में बाधा दौड़ करें तो बंदर वाली और इन पर नहीं कुछ भी, ये तो सिर्फ पैसा आपका गोज में भरने लग रहे हैं और पब्लिक का पैसा खान लग रहा है, राम का पैसा ये कागज में बना दिखा दिया दिखा रखा भाई अब इसका बिल भी पास हो रहा है और यो देख लो आप धरातल पे इसका किए काम करके जा रहे हैं, ये काम करने लग रही है। ये पिंकी शर्मा लगा लो, गौतम मेयर सरदाना लगा रहे हो, हमारे विधायक कमल गुप्ता लगा लो, और रणवीर गंगवा तो कहना है कि जिसका 25-25 पेट्रोल पंप है, 25 पेट्रोल पंप थोड़े कौन है मेरे भाई, 25 पेट्रोल पंप जो मंत्री एमएलए ले ही बैठा है उसने पब्लिक किसने जिद करी है कि ना तो गौतम सरदाना ने करी, चाल की देखो भाई कड़े कड़े प्लाट पड़े हैं गौतम सरदाना के, चाल की देखो कितना के काम करेगा गौतम सरदाना, मतलब जो 0 पॉइंट जिसका आदमी का कर्जा आया करता वो आदमी करोड़ों में खेलने लग रहे हैं, कहां से आया उसके पास ये पैसा, ये पब्लिक का पैसा था और पब्लिक का पैसा मतलब खाके राज देख लो भाई ये हालात हो रहे हैं, पब्लिक का पैसा उरे दिखा दिया इसमें 20,000-50,000 रुपया तो इसमें काम करा दिखा दिया, इसमें 2,000 का भी काम को नहीं हो रहा देख लो कितने हो रहा होते एक महीने बाद बैठ गया भाई करांगे हमने तो मतलब एक चीज दिखा है। मैं वैसे भारतीय किसान यूनिट का जिला शहरी प्रधान हूँ, विकास ढांडा नाम है, मैं भारतीय किसान यूनिट का जिला शहरी प्रधान हूँ, मारा काम है आंदोलन करना, हम ही तो आंदोलन करके तो इन पक्की में ले लिया नहीं लठ दे की नशा में सरकार का तो बेसंग दे देनी भाईचारे में सरकार दें को नहीं। मेरा पिंकी शर्मा को अल्टीमेटम है, मेयर गौतम सरदाना को अल्टीमेटम है और विधायक कमल गुप्ता को अल्टीमेटम है, या तो इसने एक हफ्ता में ठीक करवा दिए नहीं मत एक जने का घर हेर की बैठांगे बाहर लिकड़न कौन दवा भाई, अगर पिंकी शर्मा ने यो काम करवा दिया तो ठीक है नहीं एक हफ्ते बाद में पिंकी शर्मा का घर का घेराव करांगे क्योंकि मतलब हमारी मेयर वाह हो रही एमसी वाह बन रही है, वार्ड नंबर ये हाँ 19 वार्ड नंबर हमारा हाँ ये देख लो। और एक चीज और बता दूं बीजेपी सरकार की, एक मेरे पास कल एक नई इन्फॉर्मेशन आई है, आजकल क्या हो रहा है एक जो हमारी फैमिली आईडी है ना, फैमिली आईडी में अगर किसी की इनकम 2,60,000 रुपये और गलती से किसी भाई पर बनान देने एक जीरो और लागी तो इसका मतलब 26 लाख रुपये होगी, उसकी इनकम अगर वो ठीक करवाने खातर जावे ना तो उसका ठेका वेरा किसने दे दिया, एक डॉक्टर बिंदानी है होम्योपैथी का डॉक्टर है और आरएसएस का बहुत बड़ा नेता, उसको ठेका दे दिया, उसने सरकार पीछे देने लग रही है पीछे लेवर वो ठीक कर है, 1,000 रुपये तो तेरे पर ले लेगा तेरी मतलब फैमिली आईडी में गड़बड़ है ठीक कर दूंगा और फिर सरकार पर कमीशन लेने लग रहा है, सरकार के करण लग रही है आज के दिन सरकार आपके गुंडा राज चला रही है, जो आरएसएस के जो नेता है ना उनको करोड़पति अरबपति बनाने लग रही है, बताओ भाई बिंदानी डॉक्टर का के काम भाई इसमें कोई पढ़े लिखे कोई तेरे वर्ग भाई पत्रकार ने लगा और जिसने एक उन्हें नौकरी मिलर उसने तो पीछे घने कमा रखे हैं डॉक्टर ने बिंदानी ने तो, और उसको मतलब ले उसका सोल्यूशन करने का तर मेंबर बना दिया, अगर मतलब ले उसका सोल्यूशन करवाना है हमने कोई फैमिली आईडी में कोई दिक्कत होगी तो पहले डीसी ऑफिस में जाओ, डीसी ऑफिस वाले मेरा किसका मार करेंगे डॉक्टर बिंदानी का, जो होम्योपैथी का डॉक्टर आरएसएस का मैं तो उसको गुंडा कहूंगा, आरएसएस एक हरियाणा के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुंडा राज है और उस गुंडा राज ने मतलब आपकी पॉकेट भरने खातर खटर ने आपका भाईचारा के रुपये बनाने खातर देख लो उनको वो दे रखे है भाई, उसको के मतलब किसे पढ़े लिखे मतलब युवा साथी ने नौकरी देवर ताकि मतलब ले वो बढ़िया काम भी करे, डॉक्टर बिंदानी बिना रुपये ले काम कर देगा भाई साहब, जैसा पत्रकार में आपका यह बात जो कि पहले होम्योपैथी का डॉक्टर है वो पहले इतने मोटे रुपये छापन लाग रहा है वो बिना रुपये ले काम कर देगा के मैंने ये और बता दो आप, तो ये भाई साहब समस्याएं हैं हमारी सरकार जो है ना ये अब की बार आरएसएस और जो जेजेपी के हैं ये दो आदमी ऐसे हैं जिन्होंने आपकी पॉकेट भरनी और आपके साथियों की पॉकेट भरनी और आपके रिश्तेदारियों की पॉकेट भरनी जनता के पैसे से और इन्हें काम कुछ भी नहीं करना।